हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। 67th बीपीएससी तो अब लगभग एक डेढ़ महीने में हो जाएगा, लेकिन जो 68th बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, 67th वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है, क्योंकि इन सारे बुक्स को अगर आपने पढ़ा है तो आपके मार्क्स अच्छे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 80-90% जो क्वेश्चन है आपको इन सभी किताबों से मिल जाएंगे, इन सभी किताबों को फॉलो करने से। तो बीपीएससी पीटी के लिए हम ये जानते हैं कि चार सेगमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चार सेगमेंट, पहला हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, तीसरा हो गया बिहार का जो होता है बिहार जी के, और चौथा हो गया आपका साइंस। ये चार पिलर हैं आपके बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए। तो इन चारों को सबसे पहले इन चारों की बुक लिस्ट हम देखते हैं। तो बुक लिस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि ये जो बुक है, देखिए मेरे पास ये अरिहंत की है, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। तो ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सबके टेबल पर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से लगभग आपको 40-45% क्वेश्चन है ये बिल्कुल रिपीटेड पूछे जाते हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन इसमें जो भी दिया गया है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की किताब है उसको आपको बिल्कुल रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है, मैं ये बता रही हूँ। तो बिल्कुल रटने से आपको क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि आपको बस क्वेश्चन ही रटना है, अगर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, घटना चक्र की बुक हो गई या एडुटेरिया की प्रीवियस ईयर की किताब हो गई या अरिहंत भी है, तो इसमें भी हर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन को भी आपको पढ़ना है। तो कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी उसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का काम अगर आप ये किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किए हैं तो अभी से आपको इसे स्टार्ट कर देना चाहिए। ये 67th के लिए हो गया कि आपको बुक से ही पढ़ना है, बुक से ही सारे डिस्क्रिप्शन रट जाने हैं। तो जो 68th बीपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए क्या करना है, देखिए इस तरह के आपको A4 साइज़ के पेपर्स लेने हैं। एक सब्जेक्ट हो गया जिसमें मैंने ये लिखा है साइंस, एक सब्जेक्ट हो गया ये हिस्ट्री, इसी तरह के आपको ये ज्योग्राफी, और ये फिर हो गया पॉलिटी। तो इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्या करने हैं, अलग अलग A4 शीट्स पे जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि हिस्ट्री का हो गया, इसमें मैंने 38th से लेकर 66th बीपीएससी तक अभी तक इसमें लिखा है, तो इसमें क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन को आपको लिखना है हिस्ट्री से जो भी पूछे गए, इसमें आपको बिहार हिस्ट्री भी इंक्लूड कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको अब दोबारा से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये जो 10-15 पेज में जो ये नोट्स बनेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको अगर आप एक बार लिख लेंगे तो एक ऐसे ही याद हो जाएगा, और एक दो बार रिविज़न कर लेंगे तो फिर आपको ये आपके दिमाग से कभी भी निकलेगा नहीं। तो हिस्ट्री के लिए आपको ये करना है। तो सारे सब्जेक्ट्स के आपको इसी तरीके से लिखना है, सारे सब्जेक्ट्स को आपको इस तरह से A4 साइज में आपको स्टिक फाइल में इस तरह से बना के रख देना है, और इसको बार बार रिवीजन करना है। 67th बीपीएससी वालों के लिए ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, और जो 68th देने वाले हैं उनके लिए इस तरह का काम आपको अभी से करना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम इस किताब को फॉलो करेंगे, लूसेंट जनरल नॉलेज, ये हर एक के टेबल पर आपको मिल जाएगा, हर एक स्टूडेंट के टेबल पे ये बुक होती है। तो एंशियंट और मेडिवल के लिए हम इस किताब को फॉलो करेंगे, एंशियंट और मेडिवल के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा मॉडर्न में क्या करना है, तो मॉडर्न का अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब है तो स्पेक्ट्रम की किताब में पीछे की 40 पेजेज में जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो आपको रट जाना है, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद आपको ये जो है ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इस बार भी 67th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, लगभग आपको 90% क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इस घटना चक्र में आपको देखने को मिला होगा, घटना चक्र से। तो एक एक क्वेश्चन को आपको इसके लगाना है, एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा बल्कि बुक है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं इसे तो मार्क करते जाइए कि कौन सा रिपीटेड है, RR करके बना दीजिए कि फिर से दोबारा उस क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े, और जो नए नए क्वेश्चन उसको आपको याद करते रहना चाहिए। तो आपको घटना चक्र हो गया और लूसेंट हो गया, एंशियंट मेडिवल के लिए लूसेंट और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम के लास्ट के 40 पेज है। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो लूसेंट से ही आप पढ़ लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा, और इससे आपको घटना चक्र की किताब से आपको MCQ लगा लेना है, ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा साइंस। साइंस के लिए हम
घटना चक्र की किताब को फॉलो करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सारे ऑब्जेक्टिव आपको इस घटना चक्र से पढ़ना है, घटना चक्र के बुक से सारे इसका ऑब्जेक्टिव। अगर बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको क्या करना है साइंस के लिए, ये लूसेंट भी फॉलो करना है साइंस के लिए। लूसेंट के सामान्य वाला जो लूसेंट है, साइंस स्पेशल या लूसेंट नहीं है, इसके पीछे जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्राउन आपके पास है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट ही बेस्ट है, कम में दिया गया है और ज़्यादा जानकारी इसमें आपको, यहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइंस के लिए हमने बात की घटना चक्र और लूसेंट के जो बैक साइड में साइंस का पोर्शन दिया हुआ है। अब आते हैं बिहार स्पेशल के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए आपको बहुत सारे लोग बहुत तरह की किताबें बताएंगे, इम्तियाज अहमद, क्राउन या मनीष रंजन, ये बहुत सारे केबीसी नैनो, तो ये बहुत सारे मार्केट में ऐसी किताबें हैं बिहार स्पेशल के लिए। मेरे पास जो बुक है वो है बिहार क्राउन जनरल नॉलेज का। तो बिहार क्राउन जनरल नॉलेज की ये जो बुक है इसमें से आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको हिस्ट्री के पोर्शन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो ट्राइबल रिवोल्ट के बाद वाला जो चैप्टर दिए गए हैं हिस्ट्री के वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एंशियंट और मीडियवल जो इंडियन हिस्ट्री है वहीं बिहार हिस्ट्री है। तो आपको एंशियंट और मीडियवल आप बिहार क्राउन के जीके से स्किप कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप इसमें से पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे। और कुछ इसमें दिया गया है जैसे कि एक चैप्टर आपको मिलेगा स्टार्टिंग में देखेंगे एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, तो ये आपको पूरा करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार आपको पूरा पढ़ जाना है, इसमें से सेंसस बिहार का पढ़ जाना है। और ये बिहार क्राउन जीके का जो किताब है इसे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे जो भी पूछे जाएंगे बिहार स्टैटिक जीके से। तो कोई भी एक बुक आप जो फॉलो करते हैं उसे बिल्कुल हार्डली फॉलो कीजिए, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो इम्तियाज अहमद हो, चाहे वो केबीसी नैने हो या मनीष रंजन हो, कोई भी किताब आपके पास होना चाहिए। और क्राउन भी आपके पास है तो बढ़िया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको क्राउन बिहार जीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमने बिहार जीके के बारे में बात की। और एमसीक्यू की अगर बात रही तो एमसीक्यू के लिए आप इम्तियाज अहमद की बुक को लगा सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप इसके पीछे भी हर एक चैप्टर के पीछे आपको क्राउन जीके में भी दिया गया है एमसीक्यू, उन सारे क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। हालांकि आप चैप्टर से हार्डली अगर पढ़ते हैं तो वहां से भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमने बिहार हिस्ट्री के बारे में बात की। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन पे। करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए मेरे पास दो किताबें हैं, एक हो गया एजुटेरिया और दूसरा हो गया एसपीडी। ये दोनों किताब भी आप सभी के टेबल पे जरूर ही होगा, मुझे ऐसा पता है कि आप सभी इन दोनों बुक्स को फॉलो करते होंगे। तो एसपीडी और एजुटेरिया, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो डायनेमिक टॉपिक है, एक बुक को आप लेकर अगर चलेंगे तो आप उतना श्योर नहीं रह पाएंगे, कन्फर्म नहीं रह पाएंगे कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। तो आप दो बुक्स को लेकर चलिए, एसपीडी और एजुटेरिया। एसपीडी और एजुटेरिया में आपको एसपीडी के जो पीछे के जो वन लाइन दिए रहते हैं हर एक मंथ के अलग अलग वो पढ़ लेंगे, इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव उसको लगा लेना है। इसके अलावा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के जो भी दिए रहते हैं चैप्टर वो पढ़ लेंगे आप, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो दिया रहता है वो पढ़ लेंगे। इसी तरह से आपको एजुटेरिया के बुक से भी फॉलो करना है, ये दोनों बुक आपको रखना चाहिए अपने टेबल पे और इन दोनों बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और एक बुक को पढ़ के आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपको दो बुक को फॉलो करना चाहिए। करंट अफेयर्स में इन दो बुक्स को फॉलो करने के अलावा आपको क्या करना है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण के जो मंथली वीडियो बनाए जाते हैं, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के जो मंथली वीडियो यूट्यूब पे डाले जाते हैं उसको आपको एक बार देखना चाहिए, जरूर उसको वीडियो के माध्यम से आप उसे रिविज़न करें, क्योंकि ये बुक्स तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण को भी आपको जरूर फॉलो करना है वीडियो से, अगर आप बुक भी पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण के बुक को नहीं फॉलो करते हैं तो उसके वीडियो को भी जरूर देखिए, उसके क्वेश्चन को लगाइए। तो आपको 35 में से आपको 30 क्वेश्चन आपको इन तीनों सोर्सेज से, 5 क्वेश्चन को वैसे भी कोई रिस्क नहीं ले सकता है, 100% तो नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप 95% आप श्योर हो सकते हैं कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 67th बीपीएससी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो तो 2 साल पीछे के करंट अफेयर्स पूछ दिए गए थे, क्योंकि पुराना पेपर सेट शायद किया हुआ था। तो आप ये दोनों बुक्स फॉलो कीजिए और प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो को देखिए, करंट अफेयर्स का आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटी का। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पीटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत के लिए आप लूसेंट की बुक को ही फॉलो कीजिए। लूसेंट में जो भी दिए गए हैं फैक्ट्स उसे आप पढ़ेंगे और इसके बाद आप घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव को लगा लेंगे। इसमें भी आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स दिए गए हैं, वो भी आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर को आप फॉलो करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सारे टॉपिक्स को आपको पॉलिटी में ऑब्जेक्टिव लगा लेना है घटना चक्र के बुक से, और लूसेंट से आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी की बात आती है, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लेना है लूसेंट से ही आपका हो जाएगा। घटना चक्र चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। काफ़ी बल्की बुक है ये घटना चक्र की ज्योग्राफी वाली, और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इतना बल्की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है, इसमें क्वेश्चन आप गेस नहीं कर सकते हैं कि क्या पूछा जाता है, ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या किया जाता है कि जो टॉपिक करंट में रहता है, जो न्यूज़ में रहता है, जैसे जो अटल टनल का जो न्यूज़ में था, 2 बार से अटल टनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 बार उसका लंबाई पूछ दिया गया, 1 बार वो किस माउंटेन श्रेणी से जुड़ा हुआ है ये पूछ दिया गया। तो इन सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक से जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं उस पर आपको ध्यान रखना है, तो ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इन सभी की बात की। और इन सभी के अलावा अगर आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह की किताब है तो लास्ट टाइम में ये इसका रिवीजन बहुत आपको हेल्प करेगा। एनसीईआरटी सार संग्रह में अगर आपने लूसेंट से कोई चैप्टर पढ़ा और उसका अगर 1 लाइनर आप एनसीईआरटी सार संग्रह में देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब इसमें मिल रहा है। तो सार संग्रह की इस बुक में सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स को 1 लाइनर में मेनली साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इस एनसीईआरटी के सार संग्रह किताब से। अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी फॉलो करते हैं तो बाकी जो बुक लिस्ट है उसे फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारे बुक लिस्ट थी बीपीएससी पीटी के लिए, चाहे 67th बीपीएससी हो, 68th बीपीएससी हो, या आगे आने वाले भी बीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, उनके लिए ये सारे बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो पीटी का रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं, अब मिलते हैं फिर इस वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।